नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चुनाव प्रचार, जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाने का वादा। गुजरात के सूरत का ग्रोथ हब के रूप में होगा विकास, 5 जिले का भी होगा डेवलपमेंट। और वडोदरा में भाजपा का भूचाल फिर सतह पर, मनीष पगार ने केयू रोपड़िया को दी विधानसभा में बोलने की नसीहत। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार कश्मीर में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। पिछले 6 दिन में पीएम मोदी दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इससे पहले वे 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसका प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे और यहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में कहा कि हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, भाजपा ही इसे पूरा करेगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूटने चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को लेकर कहा, इन तीनों खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा है। इनके कारण ही यहाँ के युवा तरक्की नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहाँ 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशत गर्दी के साये के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग, अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास आपने रचा है, ये नया इतिहास जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा है। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस नई ऊंचाई पर है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। गुजरात के सूरत और आसपास के जिलों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने के भाग रूप गुजरात सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के विजन को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के नेतृत्व में भारत के सबसे तेज विकसित हो रहे शहरों और आसपास के इलाकों को ग्रोथ हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मेगा इकोनॉमिक ग्रोथ हब के विजन के साथ सूरत और आसपास के नवसारी, भरूच, डांग, तापी और वलसाड़ जिले को विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है, जिसके भाग रूप सूरत समेत दक्षिण गुजरात के 6 जिलों में बनाए गए सूरत इकोनॉमिक रीजियन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान का गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों
आज लॉन्च किया गया। देश में सूरत एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 6 जिले के बने हुए सूरत इकोनॉमिक रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सरकार और निजी सेक्टर साथ मिलकर काम करेंगे और दक्षिण गुजरात के 6 जिलों का तेजी से विकास करेंगे। મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનો ફાળો બહુ મોટો એટલે કે 55% જેટલો છે। તેના પાયામાં ટેક્સટાઇલ્સ, જેમ્સ જ્વેલરી, ડાયમંડ, કેમિકલ એન્ડ ડાઈસ જેવા પરંપરાગત ઉદ્યોગ રહેલા છે। વિકાસ માસ્ટર પ્લાનમાં આપણે આ ક્ષેત્રો ઉપરાંત અપકમિંગ સેક્ટર્સ એવા સસ્ટેનેબલ એગ્રીકલ્ચર, રિયલ એસ્ટેટ, ટુરિઝમ, આઈટી, લોજિસ્ટિક વગેરે સેક્ટરના વિકાસની સંભાવનાઓ પણ ઉજાગર કરી છે। આ બધા સાથે ભારત બજારનો કોન્સેપ્ટ પણ માસ્ટર પ્લાનમાં છે। તેના પરિણામે વર્લ્ડ ક્લાસ માર્કેટ ફેસિલિટી લોકોને મળતી થશે। વર્લ્ડ ક્લાસ અને સમય અનુરૂપ એજ્યુકેશન માટે એજ્યુસિટી પણ વિકસાવવાનું માસ્ટર પ્લાનમાં આયોજન છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતનું આહ્વાન કર્યું છે, તેને આપણે વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણથી જીવી લેવું છે। મોટી આર્થિક તાકાત મળી છે। હવે ત્રીજી ટપમાં તેમણે ભારતને ત્રીજી આર્થિક તાકાત બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે। આ માટે દેશના રાજ્યોના વિવિધ ચોક્કસ વિસ્તારો આર્થિક, સામાજિક, ઔદ્યોગિક એમ સર્વાંગી વિકાસને વેગ આપવા જી હબ ગ્રોથ હબનો નવતર વિચાર તેમણે આપ્યો છે। નીતિ આયોગના સહયોગથી આવા ગ્રોથ હબ માટેના આયોજનબદ્ધ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવે છે। આજે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત ઇકોનોમી રિજિયનના સર્વાંગી અને આધુનિક વિકાસના ભવિષ્યલક્ષી આયોજનમાં સુદીર્ઘ રોડમેપ એવા માસ્ટર પ્લાન લોન્ચિંગનો આજનો અવસર છે। દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો મુંબઈથી નજીક હોવાના કારણે આર્થિક ઔદ્યોગિક ગતિવિધિના પ્રવૃત્તિના કેન્દ્રો રહ્યા છે। 1960માં જ્યારે ગુજરાત મહારાષ્ટ્રથી જુદું પડીને અલગ રાજ્ય બન્યું ત્યારે લોકો કહેતા કે માત્ર દરિયો, રણ અને ડુંગર ધરાવતું ગુજરાત શું વિકાસ કરવાનું હતું। અને આપણે જોયું પણ છે કે ઘણા દાયકા સુધી આ ગુજરાત અને ગુજરાતને જે વિકાસ છે એ વિકાસ ખાલી તાપીથી વાપીની વચ્ચે જ રહ્યો। गुजरात के अमरेली के धारी में झर गांव निकट 12 से 15 शेर गांव के नजदीक देखे गए। झर गांव निकट डैम के पास ये शेर इकट्ठा हुए थे, जिन्हें वन विभाग द्वारा वहां से खदेड़ने की कवायद की गई। धारी और आसपास के इलाकों में शेर अक्सर पशुओं का शिकार करते हुए नजर आ ही जाते हैं। पूर्व वन विभाग के एरिया में जो एरिया आता है जर का, उसमें लाइन का आना जाना तो हर रोज रहता है। आप विजुअल में देख सकते हो कि यहाँ पे 15 शेर है, 15 शेर यहाँ पे है, उसमें से कई शेर एक शिकार छोड़ के वापस आ गए हैं, तो उसमें से एक या दो कैचअप हो रहे हैं। काफी ये जो एरिया पूरा है वो सिंह के लिए या लाइन के लिए एकदम परफेक्ट है, तो हर रोज यहाँ शेर का निकलना एक जैसे कि रूटीन वर्क है और ये लोग उनके दोस्त होते हैं, उसी तरह से शेर उनके साथ घुल मिल जाते हैं। तो आपने विजुअल में देखा कि जो शेर है वो हर दिन यहाँ पे निकलते हैं। अमरेली के धारी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कवायद की गई। यहाँ अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस देने के बाद अवैध रूप से किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही पुलिस और अधिकारियों की उपस्थिति में की गई।
चौक विस्तार थी वेकरियापरा सुधीना गेट विस्तार में आज सवारे दरेक दुकानधारकों स्टॉलधारकों लारी गल्ला धारकों ने मौखिक अने रूबरू समग्र टीम वहीवटतंत्र की टीम साथ सूचना आपवामां आवेली जेनुए सांजे 5:30 कलाके थी धारी में लाइब्रेरी चौक बाजू थी डिमोलिशन की कार्यवाही शुरू करवामां आवेली छे अने ज्यां सुधी कार्यवाही पूरी न थाय त्यां सुधी कार्यवाही चालू राखवामां आवशे। जरूर पड़े तो काल सवारे पण कार्यवाही चालू राखवामां आवशे। डिमोलिशन पछी पण दरेक डिपार्टमेंट ने फरीवार आवुं डिमोलिशन न थाय ते माटे तकेदारी राखवा प्रांत साहेबनी सूचना लेखित तेमज मौखिक बन्ने रीते आपवामां आवेली छे। अमरेली के धारी में पुलिस की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है, जिसमें सूरत बंदोबस्त से वापस लौट रही पुलिस की बोलेरो कार दुर्घटना का शिकार बनी। बोलेरो कार में टेक्निकल क्षति के चलते गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार 3 से 4 पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। वडोदरा में आई बाढ़ के बाद वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा हमेशा ही चर्चा में रह रही है। आज भी भाजपा नगर सेवक मनीष पगार का बयान यहां चर्चा में रहा। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय में आयोजित सामान्य सभा में आज भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक मनीष पगार ने भाजपा के नगर सेवक केयू रोकड़िया पर निशाना साधा। केयू रोकड़िया ने कल वडोदरा में आई बाढ़ का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को ठहरा दिया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने सालों पहले अनुमति देकर भूखी कास पर निर्माण करवाए हैं, ऐसे में ये निर्माण अवैध नहीं है। जिस पर मनीष पगार ने भरी सभा में आज कहा कि केयू रोकड़िया अगर गुजरात विधानसभा में वडोदरा में टीपी फाइनल कराने के लिए कुछ कर पाए तो ज्यादा बेहतर होता। આદરણીય કેયુરભાઈ રોકડિયા સાહેબ ધારાસભ્ય છે, તો જે રજૂઆત ગાંધીનગરમાં ધારાસભ્ય શ્રી કરે શહેરની, તો એ એક બહુ સારી બાબત થઈ જાય, એક બહુ સારી બાબત થઈ જાય, કેમ કે એ પૂર્વ મેયર પણ રહી ચૂક્યા છે અને હાલ ધારાસભ્ય છે। તો મારી એવી છે કે જે આપણે શહેરની ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે ધારાસભ્ય તરીકે ત્યાં રજૂઆત કરે તો એનો ખૂબ મોટો ઇમ્પેક્ટ આવે એવું મારું માનવું છે। એટલે એ સંદર્ભમાં મેં કીધું છે કે આદરણીય કેયુરભાઈ ધારાસભ્ય છે, એમને ટીપીથી લઈને બીજા સારા મુદ્દા જે રીતે અહીંયા ગઈકાલે મુદ્દો લીધો એમણે, એ જ રીતે જો ત્યાં વિધાનસભામાં પણ લે તો મને એવું લાગે છે કે શહેરનું કંઈક સારું થશે। મેં એવું કીધું કે ગઈકાલની સભામાં એક ગંભીરતા કે હવે આના પછી શું કરીશું આપણે આ શહેર માટે, અને પૂર ન આવે એના માટે, એ થોડુંક ઓછું દેખાયું ક્યાંક। એટલે મેં એ કહ્યું કે ભાઈ ખરેખર તો અત્યારે આપણે એ કહેવું જોઈએ કે હવે આપણે ભવિષ્યમાં જે રીતે અત્યારે પૂરી પાર્ટી પ્રયાસરત છે કે ભવિષ્યમાં આ પૂર ન આવે એના માટેના ઠોસ નિર્ણયો માટે પાર્ટી જે પ્રયત્ન કરી રહી છે, એ પ્રયત્નોમાં એવું હોવું જોઈએ કે અત્યારની જે હાલ જે આ સંકટ છે તો એ સંકટ વિશેની જ ચર્ચા હોવી જોઈએ, અને એ સંકટનું નિવારણ ભવિષ્યમાં કેવી રીતે કરી શકીશું
એનો એક સભામાં એ વિષય મહત્વનો મને ગઈકાલે મારા પ્રમાણે લાગતો હતો. ગઈકાલે હું બોલવા ઊભો થયો ત્યારે સભાનું સમાપન થઈ ગયું હતું, એટલે એ મુદ્દો મેં આજે કહ્યું કે આદરણીય કેયુરભાઈ, આ જ મુદ્દો આપ આવી જ ઉગ્રતાથી આપણા ટીપીના અને બીજા બધા શહેરના રિંગ રોડના હોય કે ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા છે શહેરના કે જે આપ ગાંધીનગર રજૂઆત કરો તો અમને બહુ આનંદ થશે. એક ઉગ્રતાનો શબ્દ પણ તમે વાપર્યો છે, જે એગ્રેસિવનેસ એમનામાં છે, યંગ છે, ડેશિંગ છે, બહુ જ સારા અને અનુભવી છે. હું તો એવું કહીશ કે ઉંમર પ્રમાણે બહુ અનુભવી છે, કે એમને સંગઠનમાં પણ કામ કર્યું છે, આ શહેરના મેયર પણ રહ્યા છે અને હાલ એમને ધારાસભ્ય થયે પણ ઘણો સમય થઈ ગયો છે. તો મારી એમને આજ માધ્યમથી એટલું જ કે આવા જ મુદ્દા આપ ત્યાં પણ લો તો અમને આનંદ થશે કે ભાઈ શહેરનો કોઈક સારો મુદ્દો ત્યાં જે ઘણા સમયથી પેન્ડિંગ છે એ મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ કે ક્યાંક રજૂઆતો થઈ એવું કંઈક અમને પણ સાંભળવા મળે તો એનો આનંદ થાય. કોઈ સિનિયર કોર્પોરેટર હોય અને પત્ર લખતા હોય તો પત્રનો જવાબ આપવો જોઈએ. પત્રનો જવાબ ન આપવો હોય તો એ કામ કરીને બતાવવું જોઈએ કે ભાઈ આ તમે જે પત્ર મોકલ્યો તો એ કામનું આ નિવારણ થઈ ગયું છે, આનું નિરાકરણ થઈ ગયું છે, કે ભાઈ આ અધિકારીને આ સૂચના આપી છે. એવું કશું થયું નહીં. બે ત્રણ પત્રો લખ્યા, 37 પણ એક પત્ર લખ્યો હતો કે ભાઈ નદીમાં પૂર નથી તે છતાં વિસ્તારોના લોકોના ઘરોમાં પાણી છે, અમારા ઘરોમાં પાણી છે, એ સંદર્ભમાં પત્ર લખ્યો હતો. એટલે આજે ફરી મેં એમને યાદ એ જ કરાવ્યું છે કે એ પરિસ્થિતિ જે છે ફરી નિર્માણ ન થાય એના માટે કંઈક કરવું જોઈએ. ગુજરાત કે વડોદરામાં બાઢ સે પ્રભાવિત લોક અભી ભી ભારતીય જનતા પાર્ટી કે નેતાઓ કે પ્રતિ નારાજગી જતા રહે હૈ. આજ ફિર એક બાર વિધાયક મનીષા વકીલ કો કુછ એસા હી અનુભવ હુઆ. ગુજરાત કે વડોદરા કે કિશનવાડી ઇલાકે મેં આજ વોર્ડ નંબર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 કે લીએ સેવા સેતુ કાર્યક્રમ કા આયોજન કિયા ગયા. સેવા સેતુ કાર્યક્રમ મેં શિરકત કરને વિધાયક મનીષા વકીલ ઓર સ્થાનીય નગર સેવક ઉપસ્થિત રહે. લેકિન કાર્યક્રમ કે દૌરાન વોર્ડ નંબર 5 મેં શામિલ સવિતા દર્શન સોસાયટી કે નિવાસીઓને ઉન્હે સહાયતા નહીં મિલી હોને કે ચલતે આક્રોશ જતાયા. વિધાયક મનીષા વકીલ સ્થાનીય નગર સેવક નૈતિક શાહ કે સાથ બાઢ પ્રભાવિત ઇલાકે મેં ભી પહોંચી, જહાં મહિલાઓને ઉન્હે ઘેર કર અપની સમસ્યાએ બયાન કી. કાર્યકર્તા છે બરાબર છે,
ઘરે સુવા મોકલી દીધેલા હતા, કેમ મારો રોષ ના હોય? અને કે બીજેપી વાળા એમના પોતાના રૂપિયા ઓછા આપે છે અહીંયા આગળ કઈ यहाँ के लोगों का कहना है कि बाढ़ के बाद उनकी सोसाइटी में कोई सर्वे नहीं हुआ है और ना ही उन्हें कोई सहायता मिली है। वडोदरा में खूब वरसाद पड़े ते वक्त आखू 70% वडोदरा पानी में डूबी गयु हतु। एमा मारी आजूबाजू नी तमाम विस्तार नी सोसाइटी में पण पानी हतु 2-2.5 फूट जेटलू। स्थानिक कोई कॉर्पोरेटरो कोई जोवा मळ्या नथी के कोई सहाय के अत्यार सुधी थयु नथी। छेल्ला अठवाडिया 10 दिवस थी सर्वे नी कामगीरी चाली रहेली छे, तो आज नी तारीख सुधी में अमारा विस्तार में सर्वे थयु नथी। नरेन्द्र मोदी साहेब ના નામથી ચૂંટેલા વોર્ડ નંબર 5 ના કોર્પોરેટરો આજે સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં આવવાના હોય, અમારા વિસ્તાર લોકોનો વિરોધ હતો કે ભાઈ વરસાદમાં પાણી ભરાઈ ગયેલું, તે વખતે કોઈ કોર્પોરેટરો કોઈ ધારાસભ્ય જોવા નથી મળ્યા, તો આ સ્ટેજ ઉપર ખુરશી પર બેસવા ના જોઈએ, આજે અમારો એનો વિરોધ હતો। અને આજે સેવા સેતુ કાર્યક્રમની તો અમે વાહવાહી કરીએ છીએ, પણ અમારો વિરોધ સ્થાનિક કોર્પોરેટરોનો અને સ્થાનિક કોર્પોરેટરથી અમે રજૂઆત કરવા ધારાસભ્યને, એટલે એ બધાનો અમારો વિરોધ હતો। કોર્પોરેટર તો નૈતિક ભાઈ શાહ સિવાય કોઈ કોર્પોરેટર જોવા મળ્યું નથી। માનીય ધારાસભ્ય મેડમ મનીષાબેન વકીલે અમે રજૂઆત કરેલી છે। અમારા સ્થાનિક લોકોની સૌથી પહેલા તો માંગ એ હતી કે ભાઈ અમારે 4 કોર્પોરેટર કોણ છે, અમારે એમને જોવા છે, કેમ કે વોટ લેવા નરેન્દ્ર મોદીથી જીતી ગયેલા કોર્પોરેટરો ને કોઈ ઓળખતા જ નથી, કેમ કે આવતા હોય તો ઓળખે ને। स्थानीय नगर सेवक नैतिक शाह ने इस मामले जल्द से जल्द सर्वे करवा कर बाकी रहे लोगों को कैश डोल समेत की सहायता मुहैया कराने का भरोसा जताया है। लोगों ने कैश डोल रजूआत ध्यान पर आवी छे, ध्यान पर आवेली रजूआत ने मैं एमनी पासे एमनु नाम एड्रेस मोबाइल नंबर मांग्यु छे। મારી પાસે આવતા તરત જ આપણે આનું આગળ કાર્યવાહી કરીશું, આ લોકોનો સર્વે પણ કરાવીશું અને સર્વેમાં મળવા પાત્ર જે કેશ ડોલ છે એ 100% આપવા માટે તત્પર જ છે। સર્વે હજી પત્યો નથી, સર્વે હજી 100% પત્યો નથી, સર્વે ચાલુ જ છે અને જ્યારે કેશ ડોલ બંધ કરી દઈ જાય ત્યારે આ પ્રશ્ન વ્યાજબી કહેવાય, પણ હજી સર્વે ચાલુ જ છે। કદાચ કોઈ વ્યક્તિથી ધ્યાનચૂક, કોઈ અધિકારીથી ધ્યાનચૂક થઈ હશે, આપણે ધ્યાન દોરીએ છીએ અને ધ્યાન દોરીને એ સર્વે થઈ જાય અને એમને મળવાપાત્ર રકમ કેશ ડોલની મળી જાય એવું આપણે 100% પ્રયત્ન કરવાના છે। ગુજરાત કે વડોદરામાં ગણેશ વિસર્જન કે દરમિયાન ભાયલીમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા સ્થાનિક નિવાસીઓ કે સાથ બદસલૂકી ઓર મારપીટ કા વિડિયો સામને આયા હૈ। દો દિનો પહેલે વડોદરામાં હુએ ગણેશ વિસર્જન કે લિયે ઇસ બાર ભાયલીમાં ભી कृत्रिम तालाब बनाया गया था। उस दौरान ड्यूटी पर तैनात तालुका पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल भूपेंद्र चौधरी ने वहीं रहने वाले टू व्हीलर चालकों से बदसलूकी और मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गाड़ी बिल्कुल गाड़ी हाथ लगाई ना, तुम्हें गाड़ी हटे नहीं, हटाओ खाली, हटाओ ना, तुम हटाओ खाली। हाँ मैं करू छू ना, રીત નહી હે તમારી રીત હતી ને ઓ સાહેબ સાહેબ બરાબર તમે મારે છે ખોટું મારે છે આ ભાઈ ખોટું મારે છે આ ભાઈ ખોટું મારે છે
क्या कर लेगा, कर ले तू खाली, देख तू खाली कल कल खाली तू कल रीत हो सर पूछवा नहीं तमने आराम थी बताई दीधु बधु बराबर बधु 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 वे आराम थी बापर ना जाइस बापर ना जाइस बताओ तो प्रेम थी बात करनी जोइए तमारे तमारे प्रेम थी बात करनी जोइए तमारे प्रेम थी बात करनी जोइए तमे वाला फोन पाछड़ बोलो दाखल कर हड्डी तूट गई है मेरी तू तू देख ले हाँ चल सर 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 आपने अच्छे से पूछा नहीं है बराबर अंदर चली जाती आप अच्छे से पूछते ना हम लोग आराम से दिखा देता आपका आपका है ना वो टोन नहीं था बराबर पूछने का बराबर बाइक से आया मैं मेरा घर है अंदर आपने सिग्नेचर भाई नहीं तो मारे मारे करवा एक मिनट मने मने से तो धीमे से बात कर मारो अरे अरे मासी मैं लिटरली कहूँ तुम्हें प्रेम थी पूछो हाय नो अरे हमने हमें रिस्पेक्ट करी है ग्रीट हो एक कोई भी वस्तु नहीं ग्रीट हो अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट अरे अरे बॉस आप आनी डाकी बने छे ने तुमने ये पूछू छु तुम क्या रहो छो आप बूम करे छे एक्जेक्टली आज छे ने पानी डाकी छे ने पानी डाकी ने बाजू में बोलिया छे એવું નથી ગાર તમે ભી બોલ્યા છો પહેલા મેં એમ ગાર તમે ભી બોલ્યા તમે સર મારો મારો ફોન ફેંકી દીધો તમે હું તમને ગાર નહીં બોલ્યો એવું નહીં હું તમને ગાર નહીં બોલ્યો તમે માથાકૂટ કરો છો અરે શેઠ તમે જે પણ છો એક कॉर्पोरेट करना चाहिए रात के एक बजे क्या कर रहा हूँ मैं इधर किसके लिए बैठा हूँ इधर अरे सर किसके लिए बैठा हूँ क्या चाहिए अंदर क्या चर्बी है तेरे देखो पहले तो इन्हें हाथ मत लगाओ मैंने आपको हाथ नहीं लगाया खड़ा रहो शांति से खड़ा रहो मेरा दिखा भाई हमने आधार कार्ड जो हुआ भी बताऊंगा छाती पर चढ़ो तू सर 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 प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी प्रेम जी बधू बधू हाँ हाँ कर लेना कर लेना कर लेना तुमको जो करना सर सर मैंने कब दी धमकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ अबे तो आधार कार्ड दो नहीं दिखा दिखा एड्रेस दिखा भाई का दिखा क्या है हाँ गाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस की है यहाँ पे गाड़ी चेक पोस्ट की है एक मिनट मारा आईडी में ना आधार कार्ड निजामपुर आने जो मारा नव घर छे बधु आईडी खबरों का दौर यू ही चलता रहेगा फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का सहज इंटरनेशनल नंबर वन कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वडोदरा और वो भी फ्री फ्री आईलेट्स एंड पीटीई कोचिंग 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल 4 से 5 लाख रुपए में विदेश में पढ़ाई का सपना हो सकता है साकार स्टूडेंट वीजा विजिटर वीजा बिजनेस वीजा वर्क वीजा इमिग्रेशन एयर टिकट फॉरेक्स ट्रैवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल फ्री एडमिशन और वीजा प्रक्रिया भी सहज इंटरनेशनल के साथ होती है बेहद आसान सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी सेटलमेंट एंड ट्रैवल सहज इंटरनेशनल एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक निजामपुरा वडोदरा
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every New Year, we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात सरकार की स्कूल स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 33 टीमों ने हिस्सा लिया। गुजरात सरकार द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सिलेक्ट होने वाली टीम आगे की प्रतियोगिताओं में शिरकत करेंगी। ये GSFA का अंडर 17 सिलेक्शन ट्रायल फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये अंडर 17 हमारे यहाँ टोटल 33 टीम्स आई है और हम दो कन्वीनर है, प्रेयर भट्ट और इजाज मिर्जा। ये हम करीबन 15 साल से इसकी टूर्नामेंट की कन्वीनरशिप करते हैं और हम DSO कदम साहब का भी वो रखते हैं कि उन्होंने हमको टूर्नामेंट करने के लिए दिया है ये चीज़। और बाकी यहाँ 32 टीम में से 16 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और ये टीम 21 तारीख को पाटन खेलने जा रही है। इसलिए 32 टीम्स में हमने डायरेक्ट नॉकआउट स्टेज ही रखा है, जो एक एक मैच खिलाने के लिए बोला है। 10-15 मिनट का मैच है। आज जो यहाँ माजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो टूर्नामेंट चल रही है वो SGFI गवर्नमेंट टूर्नामेंट है और यहाँ पर 33 टीम आई हुई है और यहाँ से जो टीम बड़ौदा सिटी बनेगी वो 22 तारीख को पाटन खेलने जाएगी। और खुशी की बात है कि आज इतने बच्चे जो स्कूल से आते हैं और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि स्कूल टूर्नामेंट से ही एक अच्छा प्लेयर मिल सकता है और इंडिया टीम के लिए भी हमारे पास ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये टूर्नामेंट जो गुजरात गवर्नमेंट की दो टूर्नामेंट ऐसी होती है जिसको हमको चांस मिलता है, जैसे एक SGFI है और एक खेल महाकुंभ, और उसमें से जो बच्चे अच्छे खेल रहे तो चांस मिल रहा है खेलो इंडिया का, तो ये अच्छी बात है। और हमारे जो DSO है जो दिनेश कदम साहब, जो हम दो कन्वीनर है इजाज मिर्जा और प्रियस भट्ट, जो दिनेश सर ने हमारे ऊपर जो ट्रस्ट रख के हमको दिया है और ये 15-16 साल से हम दोनों साथ में करते आए हैं और हम चाहते हैं कि बड़ौदा का नाम खाली गुजरात में नहीं पर बड़ौदा से पूरी टीम तो इंडिया नहीं खेल सकती पर एक दो बच्चा इंडिया खेले वो हमारी एक ऐसी उम्मीद रहती है और ऐसी उम्मीद रहती है हम कन्वीनरों की कि यहाँ से बेस्ट टीम होके जाए और बड़ौदा का नाम रोशन हो। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं को होने वाले कैंसर और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर वॉकेथॉन का आयोजन कर अवेयरनेस फैलाई गई।
महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के मामले काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को इन बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए वडोदरा में एक विशेष आयोजन किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और बड़ोड़ा गायनिक सोसाइटी द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में अग्रणी महिला डॉक्टरों ने शामिल होकर इन बीमारियों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। साथ ही इस मौके पर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर भी जागरूकता फैलाई गई। इस मुहिम में कि हम अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाएं, विषय वस्तु है सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और साथ में वेमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस दैट जो डे रूटीन में हमारे यहाँ समाज में बहुत ज़्यादा होती है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति जो मुहिम है इसमें हम कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। पहले सर्वाइकल कैंसर का जो रेट्स है ये बहुत अधिक हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख के कैंसर, और ये कैंसर का एक कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक वायरस है। तो अगर हम इस वायरस जो कारण है गर्भाशय के मुख के कैंसर का, और भारत में प्रतिदिन 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु गर्भाशय के मुख के कैंसर के वजह से हो रही है, 200 महिलाओं की जाने जा रही हैं प्रतिदिन ये कैंसर के वजह से, तो क्या ये कैंसर की रोकथाम हो सकती है? तो हाँ, इसके कारण HPV होने के कारण, वायरस होने के कारण इसके इसमें प्रोटेक्शन में एक वैक्सीनेशन उपलब्ध है जिसे कहते हैं HPV वैक्सीनेशन। इसकी स्क्रीनिंग उपलब्ध है। अब वैक्सीनेशन जो है 9 से 14 वर्ष की आयु की जो लड़कियां हैं उन्हें 2 इंजेक्शंस 6 महीने के अंतराल पे दी जाए, और साथ ही जो महिलाएं हैं 25 से 65 साल की उम्र तक, अधिकांश 30 से 65 साल की उम्र तक की महिलाएं अपने आप को स्क्रीनिंग करें, जो सफेद पानी है वो जो सेल्स है उसकी स्क्रीनिंग करें, और उसमें से कोई पाए जाने वाला जो प्री कैंसर है, क्योंकि ये जो कैंसर है इसके 10 साल पूर्व प्री कैंसर होती है, पेशियां जस्ट बदलती हैं, कैंसर नहीं बस वो प्री कैंसर, तो उसमें अगर डिटेक्ट भी होता है तो बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ट्रीटमेंट रहता है जैसे थर्मल एब्लेशन, लेट्स थेरेपी एंड ऑल, ये करने से क्या होता है कि कोई महिला कैंसर तक नहीं जाएगी, और साथ ही साथ किसी महिला में ना यूट्रस भी इस कारणवश निकालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये कॉन्फ्रेंस हमारी 3 दिन चलने वाली है जो 20, 21 और 22 तारीख को होगी यहाँ बड़ोदा शहर के अंदर। ब्रेस्ट यानी स्तन, ये स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है, अवयव होता है। हम देख रहे हैं कि स्तन का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इतना कि आज वो महिलाओं का नंबर 1 किलर है। क्या ये कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या इसकी रोकथाम कर सकते हैं? अच्छा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, अच्छा डाइट, ये सब चीज़ें कुछ प्रमाण से हमें हेल्प कर सकती है, लेकिन ये हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। इसका अर्ली डायग्नोसिस अर्थात जल्द निदान, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और ये हम कैसे करेंगे? 2 चीज़ों से। एक है स्वयं स्तन परीक्षण और दूसरा मैमोग्राफी। स्वयं स्तन परीक्षण अर्थात सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये हर महिला ने हर महीने एक फिक्स्ड डे को अपने ब्रेस्ट की चेकअप करना गरज का है, जरूरी है। वो कैसे करते हैं? विद द फ्लैट ऑफ द हैंड और मिडिल पोर्शन से सर्कुलर मूवमेंट से वो अपने स्तन की परीक्षा कर सकती है। अगर उसके हाथ को कोई लंप लगे यानी कोई गाठन लगे तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। और दूसरी बात है मैमोग्राफी, ये एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। अगर स्तन में कोई छोटी भी गाठन है जो हाथ से महसूस नहीं हो रही है तो ये मैमोग्राफी से जल्द डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूथ हमारी स्ट्रेंथ है। हम सब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह बहुत एक्टिव है, पर हम सही तरीके से एक्टिव नहीं है। आज मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, इसको यूज करें हमारी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनने में, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। अगर हम सब मिलके सोशल मीडिया के द्वारा अवेयरनेस फैलाएंगे
तो हमारे हाथ बहुत लंबे हो जाएंगे। इस मौके पर होलिस्टिक वुमेन वेलनेस पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है, जिसमें महिलाओं की वेलनेस पर बात करते हुए समाज को स्वस्थ रखने के लिए महिलाओं के स्वस्थ रहने पर जोर दिया जाएगा। आज हमने इस वॉकेथॉन का आयोजन किया है, जिसमें हम स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की जागृति के बारे में बात कर रहे हैं और साथ साथ में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम थैंकफुल हैं VNM को, बिकॉज VNM इज आवर मीडिया पार्टनर और हमारा जो मैसेज है वो सारी आम जनता तक पहुंचेगा। सो थैंक यू VNM। गुजरात के वडोदरा के एक युवक ने दुनिया के सबसे बड़े स्किल्स ओलंपिक वर्ल्ड स्किल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्स कंपटीशन वर्ल्ड स्किल्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्किल्स कंपटीशन है, जिसमें देश विदेश के लोग हिस्सा लेते हैं। ये स्किल्स ओलंपिक वोकेशनल स्किल्स पर हर 2 सालों में चैंपियनशिप्स आयोजित करती है, जिसमें इस साल स्किल्स ओलंपिक फ्रांस में 11 से 14 सितंबर तक आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा के ध्रुमिल गांधी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ध्रुमिल गांधी काफी समय से वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए हैं। कॉलेज फीस के लिए यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने उन्हें मदद की थी और आज ध्रुमिल ने शहर का नाम रोशन किया है। वडोदरा शहर में कई ऐसे कलाकार, कई ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ इस शहर का बल्कि देश का नाम भी गौरव करते आए हैं, हमें गौरवान्वित महसूस कराते आए हैं। ऐसे ही एक युवक हैं ध्रुमिल गांधी, जिन्होंने हाल ही में वर्ल्ड स्किल्स, जो कि एक स्किल्स ओलंपिक है, उसमें ब्रॉन्ज जीता है। तो चलिए अभी जुड़ते हैं ध्रुमिल गांधी से और जानते हैं उनके इस पूरे सफर के बारे में और उन्होंने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया है इसके बारे में। सबसे पहले बताइए आपने किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया। तो वहाँ पे 6 कैटेगरीज थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग में एक स्किल्ड है इंडस्ट्री 4.0, उसमें हमने ब्रॉन्ज जीता है जी। वो स्किल ऐसा है कि जिसमें IT एंड OT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी दोनों का इंटीग्रेशन करना होता है, और वो इंटीग्रेशन के बाद साइबर सिक्योरिटी भी आता है, क्योंकि हमने IT से जुड़े हैं तो हमारा प्रोडक्शन का जो नेटवर्क है वो कहीं कोई और उसको अटैक ना कर दे। उसके बाद आता है स्मार्ट सेंसर इंटीग्रेशन, दूसरे डिवाइसेस AI एंड ML कैमरा आते हैं उनका इंटीग्रेशन, देन MES सिस्टम लाइक मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसपे पूरा डेटाबेस पे काम चलता है। सो डेटा स्टोरेज, डेटा हैंडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड क्रिएशन, ये सब हमारी स्किल्स है। PLC प्रोग्रामिंग एंड HMI प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्किल। बाकी सारे ओलंपिक्स जो होते हैं उनमें हमें पता होता है कि किस तरह की मेहनत एक एथलीट को करनी होती है, लेकिन कई लोग वर्ल्ड स्किल्स, ये स्किल्स ओलंपिक के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसमें किस तरह की मेहनत, किस तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और कितना वक्त लगता है इस प्रिपरेशन को करने में, इन बातों के बारे में भी ध्रुमिल से जान लेते हैं। तो वर्ल्ड स्किल्स में पहले तो जाने के लिए इंडिया से कौन जाएगा उसके लिए इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन होती है, जो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन के अंदर आती है, लाइक कुशल इंडिया, विकसित इंडिया। तो NSDC है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल, उसके अंदर ये इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन होती है। उसमें डिफरेंट 61 स्किल्स में अपने इंडिया के बच्चे पार्ट लेते हैं। उसमें जो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीतता है अलग अलग कैटेगरीज में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग में जो सबसे बेस्ट होता है उसमें से एक इंडिविजुअल या एक टीम, डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, वो वर्ल्ड स्किल्स के लिए जाती है। लेकिन इस बार हमारा इंडिया स्किल्स कॉम्पिटिशन बहुत लेट हुआ, तो मई में कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ और सेप्टेम्बर में वर्ल्ड स्किल्स में जाना था। तो हमारे कॉम्पिटिशन के बाद एक टाई ब्रेकर हुआ गोल्ड के ओडिशा टीम और गुजरात टीम के बीच में, जिसमें गुजरात टीम जीती और हमें वर्ल्ड स्किल्स में जाने का मौका मिला। अभी हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स थे कि वर्ल्ड स्किल्स के लिए प्रिपेयर करें, वर्ल्ड लेवल के लिए प्रिपेयर करें। तो हमारा ट्रेनिंग हुआ NAMTEC में, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो जहाँ पे मैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोफेशनल मास्टर्स प्रोग्राम कर रहा हूँ। सो वहाँ पे हमारा जाने का टाइम फिक्स था, 10 बजे रिपोर्टिंग करना है तो करना है, लेकिन वापस हॉस्टल जाने का टाइम फिक्स नहीं था। लाइक हमने सुबह 2 बजे तक, 4 बजे तक भी काम किया है, और हमारे एक्सपर्ट मिस्टर दिशांक उपाध्याय और हमारी होल NAMTEC टीम वहाँ पर ही रहती थी हमारे साथ। हमारा खाना भी इंस्टीट्यूट में अरेंज कर दिया जाता था, और NSDC की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिला, लाइक
उन्होंने एक डाइटिशियन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है जो पर्सनली असाइन किए थे, टीम मैनेजमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए एक सेशंस रखते थे। तो हम, क्योंकि हमारा टीम इवेंट था तो टीम में कैसे काम करना है, वहाँ जाके वेदर चेंज में हम बीमार ना हो जाए उसके लिए भी हमारा ख्याल रखा गया था। देन हम अगर प्रेशर में आते हैं, क्योंकि 4 दिन की कॉम्पिटिशन है, अलग अलग बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा वो पक्का है, क्योंकि अलग अलग 21 कंट्रीज़ के साथ हमने कम्पीट किया था, जिसमें से एक टीम थी जो यूरो स्किल्स, मतलब यूरोपियन कंट्री की जो कंपटीशन होती है उसमें विनर थे। एक कंट्री है जो जिनका हम मशीन यूज़ करते हैं फेस्टो, उनके एम्प्लॉयज थे, तो उनके साथ कम्पीट करना में पहले ही दिन में प्रेशर आता है, तो प्रेशर कैसे हैंडल करना एंड टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे काम करना, वो सब भी हमको ट्रेनिंग दिया गया। एंड देन इन सबको बीट करके हम 3rd रैंक पर पहुँचे। पिछली बार भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया स्किल्स, सॉरी इंडस्ट्री 4.0 में, जिसमें हम टोटल 8 कंट्रीज थी और हम 8th नंबर पे थे, मतलब लास्ट नंबर पे थे, लेकिन इस बार 21 कंट्रीज में से हम 3rd नंबर पे पहुँचे हैं। एंड आई होप कि हम अगले बार गोल्ड लेके आए, एंड हम रेडी है, मेरी टीम रेडी है कि इंडिया के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, अगले कम्पिटिटर्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, एज वेल एज अभी इंडिया में इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट नया है, मीन्स कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ही है जो इस पर काम कर रही है, तो उसको डेवलप करके, उसको लोगों के साथ फैमिलियराइज करके अपने इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ कर सके, लाइक अपना GDP कैसे बढ़ा सके, कि इंडिया जो मोदी जी का सपना है कि इंडिया स्किल का कैपिटल बने, वो कैसे कंप्लीट किया जाए, उसके ऊपर हम काम करने के लिए रेडी है। स्किल्स ओलंपिक, जैसा हमने कहा कि काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है, तो आपको इस ओलंपिक के बारे में कैसे पता चला, और साथ साथ यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा जो हमेशा सामाजिक कार्य के लिए आगे रहा है, हर किसी की मदद के लिए उन्होंने सहयोग दिया है, उन्होंने भी इनका बहुत सपोर्ट किया है, तो ये दोनों बातें इनका जवाब हमें दीजिए। तो आफ्टर माई 12th मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मेरी फीस नहीं भर सकता था, तो मेरे ट्यूशन टीचर एंड मेरे स्कूल के प्रिंसिपल दोनों के थ्रू मुझे यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के बारे में पता चला कि ये इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देते हैं, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। उन्होंने मेरा जो मेरा पूरा बैकग्राउंड है वो चेक किया और मेरे मार्क्स देखे, तो उनको एक ट्रस्ट आया कि नहीं ये कर सकता है, तो उन्होंने मुझे पहले इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन से सपोर्ट किया BTEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्प्लीट करने के लिए 4 साल के लिए, जिसमें इन्होंने मुझे स्कॉलरशिप में लैपटॉप भी दिया है, और वो लैपटॉप आज भी मेरे पास है, और मैं अभी भी इस कंपटीशन में ट्रेनिंग में 2 महीने तक उसी लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसके बाद एक हाई एंड लैपटॉप मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया, क्योंकि वर्ल्ड स्किल्स में ले जाना था वहाँ पे काम करने के लिए। और एक ऐसी भी बात है कि मेरा जो भी लोन था उसमें से ऑलमोस्ट 80% लोन उन्होंने एज अ स्कॉलरशिप मुझे दे दिया है, मुझे मीन्स वो लोन भी मुझे रीपेमेंट करना नहीं पड़ा। तो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट मुझे BTEC में बहुत रहा है, और ये फैमिली ऐसी है कि आज तक मेरे साथ जुड़ी है, ऐसा नहीं कि मेरा कंप्लीट हो गया तो ख़त्म, हम आज भी जुड़े हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। एंड देन ये वर्ल्ड स्किल्स के बारे में, तो जब हम NEMTEC में, मेरे इंस्टीट्यूट में, जब हम ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स कर रहे थे, तो वहाँ पे एक सर है रविशंकर सर एंड आशीष मल्होत्रा सर, जो ऑलरेडी NSCC में पहले काम कर चुके हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड स्किल्स के बारे में बताया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने बताया कि ये जो तुम पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट सेम है, तो तुम अप्लाई करो। तो January 31st को ये क्लोज हो रहा था रजिस्ट्रेशन, और मैंने 29th को अप्लाई किया था। देन उसके बाद इंडिया स्किल्स में थोड़े बहुत जानते गए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट किया इंडिविजुअली, देन स्टेट लेवल पे टीम में कम्पीट किया, जो जोनल में जो 1st 2 थे उनकी एक टीम बनी, मैं और मेरा टीममेट सत्यजीत बालाकृष्णन, ही इज़ फ्रॉम केरला बट मेरे साथी है NEMTEC में, एक ही इंस्टीट्यूट में, तो हमारी टीम बनी। देन हमने स्टेट में कम्पीट किया, स्टेट में भी टाई ब्रेकर हुआ, वो भी जीते। उसके बाद नेशनल्स में गए, नेशनल्स में टोटल 10 टीम्स थी, और उसमें जो प्रीवियस ईयर के ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल थे उनकी भी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, उनको भी कम्पीट किया, लेकिन अभी ओडिशा टीम और गुजरात टीम में टाई पड़ी। तो उस टाई के बाद हमने एक और टाई ब्रेकर खेला जो नेशनल्स के भी ज़्यादा इंटेंस था, तो वो टाई ब्रेकर भी जीता, और उसके बाद वर्ल्ड स्किल्स में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। सो वर्ल्ड स्किल्स में जाने के लिए इतनी सारी स्क्रीनिंग होती है कि इंडिया के बेस्ट को रिप्रेजेंट कराएंगे इंडिया को, लाइक
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का डोम छोड़ते वक्त हादसा हुआ जिसमें कई मजदूर घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हैं अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड की, जहां 16 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। इस जनसभा के लिए एक भव्य डोम तैयार किया गया था। इस डोम को उतारते वक्त डोम का स्ट्रक्चर अचानक नीचे गिर गया जिसमें 7 जितने मजदूर घायल हुए हैं। इन सभी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डोम उतारने के लिए सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया होने की बात सामने आ रही है, जिसमें बिना हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट के मजदूर काम कर रहे थे। इस डोम का काम शीलज के बजरंग कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा गया था। ऐसे में इस दुर्घटना के चलते कॉन्ट्रैक्टर के सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के जितलपुर रोड स्थित पीएन गादगिल एंड सन्स में तस्वीरकार विजय देवपुरकर की तस्वीरों का सोलो एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। वडोदरा शहर को कला नगरी और संस्कारी नगरी के नाम से जाना जाता है। संस्कारी नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की जो परंपराएं हैं उन्हें ठीक तौर पे संजोकर रखाया जाता है, और कला नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कला के माध्यम से संस्कृति को संजोए रखते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ वडोदरा के पीएन गाडगिल एंड सन्स में, जहाँ पर वडोदरा के फोटोग्राफर विजय देवपुरकर द्वारा एक सोलो एग्जीबिशन किया गया है जिसका नाम दिया गया है फ्रोजन मोमेंट्स। ये एग्जीबिशन 22 तारीख तक यहाँ पर चलने वाला है, और यहाँ पर जो प्रदर्शनी करी गई है, जो फोटोज़ क्लिक करी गई हैं, उसकी एक झलक हम आपको पहले दिखाते हैं और उसके बाद जुड़ते हैं विजय देवपुरकर से। अभी आपने जो खूबसूरत तस्वीरें देखी ये सभी क्लिक करी गई हैं विजय देवपुरकर द्वारा। उन्होंने जो ये संस्कृति, हमारे जो थिएटर्स पहले हुआ करते थे, ड्रामास हुआ करते थे जिससे लोगों को मनोरंजन और शिक्षा दोनों दी जाती थी, आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उन्होंने ये किस उद्देश्य से इन फोटोज़ को कलेक्ट किया है, कितने वक्त का ये कलेक्शन है, कितना वक्त लगा है उन्हें ये कलेक्शन करने में, ये सारी बातें जानते हैं सीधा उन्हीं से। ये कलेक्शन तो 2-3 साल का है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है, क्योंकि ये जो चीज़ है ड्रामे को क्लिक करना, उसमें थोड़ी ड्रामा की का भी बहुत बड़ा हिस्सा है समझना उसको, क्योंकि क्या होता है कि ये प्री प्लान नहीं होता है। जब भी ड्रामा प्ले करते हैं अचानक लाइट वेरिएशंस होता है, कलाकार यहाँ से आते हैं उनके एक्सप्रेशन को कैप्चर करना, तो इसमें एक एक्सपीरियंस बड़ा हिस्सा होता है। और ख़ास करके NSD ने अरेंज किए हुए ड्रामा सभी वहाँ से अच्छे अच्छे कलाकार निकले हुए, और मेरा सौभाग्य कि मुझे अच्छे मनोज जोशी जी का चाणक्य जैसा ड्रामा है, फिर नाम फाउंडेशन द्वारा नाना पाटेकर जी के द्वारा से ये किए गए हुए ड्रामा उनकी टीम द्वारा प्ले किए गए हुए हैं, तो इसका मुझे क्लिक करने का सौभाग्य मिला, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये सारे जो ड्रामास के कैप्चर्स हैं, ये सिर्फ वडोदरा में आयोजित जो ड्रामा थिएटर्स होते हैं उन्हीं के हैं या अलग अलग जगहों से हैं? नहीं, ये वैसे सभी जोन में करते हैं ये लोग अरेंजमेंट, लेकिन बड़ोड़ा और बड़ोड़ा के आसपास जहाँ भी होता है तो मेरा पहला नाम उनका लिस्ट में होता है, क्योंकि उनको ये है भरोसा कि नहीं इनका अच्छा एक विज़न है। फ्रोजन मोमेंट्स के पीछे का क्या पर्पज़ रहा है? जो खूबसूरत तस्वीरें आपने खींची हैं, ड्रामा के अलग अलग मोमेंट्स आपने कैप्चर किए और बहुत सही वक्त पर किए हैं, तो उन फोटोज़ का क्या पर्पज़ है? जी, क्या होता है कि मूवमेंट हमेशा रहती है, लाइफ में भी कहो या ड्रामा में भी कहो, हलन चलन रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सप्रेशन को कैप्चर करना, उसको फ्रीज करना जी। क्योंकि वो मूवमेंट है, और उसको जो फ्रीज करना और उस समय जो कैमरा का जो और विज़न का दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, शटर स्पीड जिसे कह जाए हमारे टेक्निकल इसमें, तो उसको सही तरीके से यूज़ करना, क्योंकि क्या होता है कि कभी शेक भी नहीं होना चाहिए, नज़र के सामने पिक्चर को भी क्लैरिटी भी होनी चाहिए और वो मोशन भी दिखना चाहिए अच्छा। और ड्रामा में क्या होता है, जब जहाँ हम होते हैं वहाँ कोई लाइट सोर्स नहीं होता है, स्टेज पर ही लाइट होता है,
तो उस समय जजमेंट लेकर के क्लिक करना, तो ये काफ़ी एक अनुभव का तजुर्बे का विषय है। पीएन गार्गिल्स में ये एग्जीबिशन 22 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसका समय है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक। तो आप में से जो भी हैं, जो कला प्रेमी हैं, जो अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं और जो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो एक बार यहाँ एग्जीबिशन में आ सकते हैं। समय और तारीख मैंने आपको बता दी है। इसी तरह जिले और शहर और देश भर की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप VNM TV को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर चार रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोलकी के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर चार रास्ता वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। वेलकम टू कोर्टयार्ड पैलेडियम। 3 BHK लार्ज साइज अपार्टमेंट्स, या तुमने मर्शे ग्रैंड लिविंग रूम विद एन अमेजिंग व्यू, साथ एक कंफर्टेबल डाइनिंग एरिया, अ परफेक्ट किचन फॉर योर परफेक्ट फैमिली। नाउ 3 bedrooms लो पहला बेडरूम विद एन अमेजिंग बालकनी व्यू, साथ द सेकेंड बेडरूम विच इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी एंड हैज एम्पल ऑफ सनलाइट। एंड नाउ फॉर द थर्ड एंड द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस हाउस, दिस इज सो अमेजिंग, so grand and so beautiful. Best vada apartments ni ese kahi ya tumne mara se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के भावनगर के सर्टी अस्पताल कैंपस में बनाई गई नई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निर्माण के एक साल बाद भी उद्घाटन के इंतजार में है। भावनगर के सिविल हॉस्पिटल में भावनगर के साथ साथ आसपास के जिलों के गरीब मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। फिलहाल महाराजा तख्त सिंह जी द्वारा बनाई गई लाल दवाखाना के रूप में जानी जाती बिल्डिंग में सिविल हॉस्पिटल कार्यरत है और यहाँ
मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाया गया है जो एक साल से तैयार है लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। इसी बीच गांधीनगर स्वास्थ्य विभाग की टीम कैबिनेट राज्य मंत्री नीमूबेन बामनिया के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दौरे पर पहुंची। ऐसे में अब अस्पताल को जल्द शुरू करने की मांग तेज हो रही है। आज भावनगर सर्टी हॉस्पिटल मा आवेल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मा गांधीनगर नी आरोग्य टीम अमारा धारासभ्य अमारा अध्यक्ष अमारा मेयर श्री अमे सौ गांधीनगर नी आरोग्य टीम साथे आज आ हॉस्पिटल नी मुलाकात लीधी छे। आ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नी अंदर नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी आम अनेक प्रकारना विभागों आवेला छे अने आ विभागों नी अंदर निरीक्षण करी अने आ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नी अमे मुलाकात करी छे। सर्टी हॉस्पिटल नी अंदर अनेक दर्दीओ खूब लाभ लई रह्या छे। देशना वडाप्रधान नरेन्द्र भाई मोदी साहेबे सौनो साथ सौना विकासना मंत्रने लईने दरेक समाजने साथे लईने અને ખાસ કરીને આરોગ્યમાં આયુષ્માન ભારત રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર એમ 10 લાખની સહાય કોઈ પણ ગરીબ લાભાર્થી હોય એ પોતાનું ઓપરેશન કરી શકે એ પ્રકારની ભારત સરકારની અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો લાભ લોકો લઈ રહ્યા છે। પહેલાના સમયની અંદર હોસ્પિટલની અંદર આવ્યા હોય પૈસા ન હોય ત્યારે એ ઓપરેશન કરાવી શકતા નહોતા। આજે આ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વની અંદર લોકો આમ તો 70 વર્ષ કરતાં વધારે ઉંમરને પણ ફ્રીની અંદર મેડિકલ સહાય મળવાની છે અને ખૂબ લોકો આ મેડિકલ સહાય લાભ લઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણું આ ભાવનગરનું પણ સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ જલ્દી હોસ્પિટલ કાર્યરત થાય એવું અમારા સૌના સહિયારો પ્રયાસ છે। ગાંધીનગરથી આરોગ્યની ટીમ મુલાકાત કરી છે। અમે સૌ ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓ પણ સૌ સાથે છે। વહેલામ વહેલી તકે આ હોસ્પિટલ એ કાર્યરત બને એવા અમારા સતત પ્રયાસ રહેશે। ગુજરાત કે વડોદરામાં મનીષા ચોકડી કે પાસ મોબાઈલ શોપ મેં લાખો કે ચોરી કા મામલા સામને આયા હૈ। વડોદરા કી મનીષા ચોકડી પર માર્વલ્સ મોબાઈલ શોપ હૈ જહાં દુકાન કા શટર ઊંચા કર ચોરી કી વારદાત કો અંજામ દિયા ગયા। કરીબ 30 થી 35 લાખ રૂપિયો કે મોબાઈલ ઓર સ્માર્ટ વોચ દુકાન સે ચુરાયે ગયે હૈ जिसकी शिकायत जेबी पुलिस स्टेशन में की गई है। आश्रे 30 થી 35 લાખ ની વચ્ચે ચોરી થઈ છે। કેટલા આરોપી દેખાય છે? એમાં 3 આરોપી છે। એક બહાર ઉભો છે, 2 અંદર આવે છે। હું દેખાય છે હવે કેટલા છે ખબર નહીં। ટોટલ એ લોકો આગળ પાછળ કોણ હતું કોઈ નહીં એટલે પાકું નથી। અંદર દુકાનમાં 2 આરોપી હતા। 30-35 લાખ ની વચ્ચે બધો માલ છે। હું જે બધું કેલ્ક્યુલેશન કરીને આપી દીધું। હા, પોલીસ તો સવારે પહેલાં તરત 5 મિનિટમાં આવી ગઈ હતી। એકે વ્હાઈટ ટી શર્ટ પહેરી છે, શર્ટ પહેર્યો છે, બીજાએ બ્લેક કલરની ટી શર્ટ પહેરી છે, બંને બ્લેક બ્લુ કલરની જીન્સ પહેરી છે, સ્પોર્ટ્સ શૂઝ છે, એટલે એકદમ રીડા ગુનેગારો હોય ને એવી રીતના જ છે। ઘટના કી જાણકારી પાકર ડીસીપી અભય સોની ભી મોકે પર પહોંચે ઓર મામલે કે સીસીટીવી ફૂટેજ ભી એકત્રિત કિયે। જે ભી પોલીસ સીસીટીવી ફૂટેજ કે આધાર પર મામલે કી જાંચ કર રહી હૈ। મનીષા ચોકડી પાસે માલવાન્સ આઈફોન આવેલું છે, ત્યાં રાત્રેના આશરે 12:30 પછી 1 થી 2 વાગ્યાના વચ્ચે દુકાનમાં ચોરી થયેલી છે। આમાં મેક્સિમમ જે આઈફોન, સેમસંગના ફોન અને જે આઈવોચ અને ગૂગલ પ્રોના ફોન એ બધા ચોરાઈ ગયા છે। ટોટલ 32 લાખ જેટલા ફોન અને સ્માર્ટ વોચિસની ચોરી થઈ છે અને અહીંયા સીસીટીવીમાં જોતા 2 લોકોએ ટુ વ્હીલર ઉપર આવતા દેખાય છે અને દુકાનમાં ફરતા ફરતા 15 થી 20 મિનિટમાં આખી ચોરી કરીને અહીંયાથી જાય છે। તો હવે અમે લોકોએ આગળ અમારા ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ માધ્યમથી આમાં ડિટેક્શનની કામગીરી ચાલુ કરી દીધી છે। અલગ અલગ દિશામાં અમે લોકો ટીમ મોકલી આપી છે અને જુદા જુદા એંગલથી જુના કોઈ કસ્ટમર અહીંયા આવ્યા હોય બધી તપાસ કરી છે। હવે એમાં અમે લોકો IMI નંબર જે છે આ IMI નંબર અમે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેલિકમ્યુનિકેશનની
वेबसाइट ऊपर जो CEIR पोर्टल है आमा नाखवाना चाहिए जेथी शू थे कि जेटला पण आईफोन अथवा स्मार्ट वॉचेस चोराई गई है ज्यारे पण एक्टिव थशे तो एनी तरत ज अमने खबर मळी जशे जेम के अगर अंतरराज्य गैंग जे आमा सक्रिय होय तो आमा अमने खबर पड़ी जशे कि फोन कई जगह है जेम के अगर मध्य प्रदेश में हो राजस्थान में हो गुजरात में कोई जगह है मारा अथवा इंडिया ना कोई पण कोणा में हो तो जो ये भारत सरकार की जो वेबसाइट है CEIR पोर्टल आती अमने तरत माहिती मिली जैसे अने आज पण फोन चोराया छे आ कई पण वापराई शकाय नहीं। गुजरात के वडोदरा में सन फार्मा रोड पर मेरी बेटी मेरे आंगन में इस कॉन्सेप्ट के साथ सारा फाउंडेशन द्वारा आधुनिक रूप से शेरी गरबे का आयोजन किया गया है। पिछले 7 सालों से सारा फाउंडेशन आधुनिक शेरी गरबा का आयोजन करता आया है। इस वर्ष सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र के नाम पर आधुनिक शेरी गरबा का आयोजन सन फार्मा रोड पर किया गया है, जिसका भूमि पूजन सारा फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान, उपाध्यक्ष मितेश वाघेला और अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में किया गया। सन फार्मा रोड स्थित सारा फाउंडेशन द्वारा आ वक्त 2024 में रंगे चंगे नवरात्रि नो उत्सव मनावा जा रहा है। अने आप जोई सको छो कि अमारा विस्तार ना तमाम रहीशो केटला उत्सुकता थी आज बधा एकठा थया छे। आज अमे खात मुहूर्त कर्यु छे ने 10 वर्ष थी जेम आ वर्षे पण आपणे एक विचार लईने आव्या छे कि आप जाणो छो अत्यारे जे महिलाओ पर जे अत्याचार थई रह्या छे जे रेपनी केस आप हमणां जे आपणे बंगालमां बनी अने विविध जग्या पर आ रीते बहेनोने प्रताड़ित करवामां आवी रही छे तो एमने सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र एक ए स्लोगन साथ अमे आ गरबा करवा जई रह्या छे जेमा एक रजिस्ट्रेशन काउंटर करीशुं जेमा अमारा विस्तारनी जेटली बहेनोने सेल्फ डिफेन्स जो टेक्निक सीखी हे तो अमे ए लोगों ने निःशुल्क आखी ट्रेनिंग कर प्रशिक्षित करीशुं तो ए हेतु थी आ गरबा अमे करवा जई रह्या बहनों माटे दर वर्षनी जेम आ वखते भी अमे सिक्युरिटी थी सेफ्टी थी लईने एमना हेल्थ अहींया मेडिकल टीम अहींया एम्ब्युलेंस की सेवा अहींया सी टीम ने बधी ज रीते ए लोकोने कोई तकलीफ ना पड़े हमारा स्वयंसेवक तो छे ज सारा फाउंडेशन ए रीते अमे ए लोकोने अमारो बेसिक कॉन्सेप्ट ये छे के अमारी जे बाळकीओ छे अमारा आंगणे अमारा त्यां रमे दर वर्षे जेम जे शेरी गरबा थता था ए ज रीते अमारो आ एक मोटो परिवार छे सन फार्मरनो जेटली हिंदू सोसायटीओ छे एनु आ एक संगठन छे ने अमारी बहेनो दीकरीओ अमे सामे रमे ए हेतु अमारो मुख्य उद्देश्य रहेलो छे दर वर्षे। सारा फाउंडेशन द्वारा गरबा आयोजन के साथ साथ श्री परमहंस नारायण गुरु आद्य व्यायाम स्कूल शास्त्रीपोड़ के संयुक्त तत्वाधान से 1000 से ज्यादा बच्चियों को 15 दिनों की खास जूडो और कुश्ती की निशुल्क ट्रेनिंग भी देगा, जिससे उन पर होने वाले अत्याचार का वे मुकाबला कर सकें। आज अपने भूमि पूजन करी है सारा फाउंडेशन नवरात्रि महोत्सव छेल्ला 7 वर्ष थी आप आ जगह पर नवरात्रि आयोजन करता आया है कि आ नवरात्रि मेन प्रयोजन ये कि मारी दीकरी मारी बहन मारा आंगणे એટલે આજુબાજુની 140 સોસાયટીઓનું એસોસિએશન મળીને આ ગરબા કરતું આવ્યું છે અને આ વખતની અમારી ગરબાનો થીમ છે કે સશક્ત નારી સશક્ત રાષ્ટ્ર એટલે જો આપણા દેશની નારી સુરક્ષિત અને સશક્ત હશે તો આપણું રાષ્ટ્ર સુરક્ષિત અને સશક્ત જ થશે એ થીમ સાથે આપણે સારા ફાઉન્ડેશન નવરાત્રી મહોત્સવ કરવા જઈ રહ્યા છે। મહિલાઓ અને બહેનો માટે આ વખતે સારા ફાઉન્ડેશને એક વિશેષ આયોજન કર્યું છે કે જે મહિલાઓ અને બહેનોનું સેલ્ફ ડિફેન્સ વધે એના માટે આપણે મફત કહેતા કે નિઃશુલ્ક એમને જુડો અને કરાટે ક્લાસીસ આપણે આપણા સારા ફાઉન્ડેશન તરફથી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે કે જેથી આપણા ભારત દેશની અંદર જે અમુક કુબનાવો બને છે મહિલાઓ સાથે એવા બનાવો ન બને અને આપણું રાષ્ટ્ર સશક્ત મહિલાઓ સાથે સશક્ત રાષ્ટ્ર બને એ આપણી આ વખતની થીમ છે। ગુજરાત મે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે નેતાઓ ઓર કાર્યકર્તાઓ કા અસંતોષ લગાતાર સામને આ રહા હૈ કુછ એસા હી શિનોર તાલુકા પંચાયત મે દેખને મિલા। वडोदरा जिले के शिनोर तालुका पंचायत में तब हड़कंप मच गया जब भाजपा के ही सदस्यों के साथ मिलकर भाजपा के अध्यक्ष अर्चना राय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। दरअसल विकास कार्यों के आवंटन में तालुका पंचायत के सदस्यों को विश्वास में नहीं लेने से भाजपा के सदस्यों में रोष का माहौल है और ऐसे में भाजपा के मैंडेट पर चुने गए 4 सदस्यों ने तालुका पंचायत की भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस के 3 और 1 निर्दलीय सदस्य के साथ मिलकर विश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में भाजपा की मीना पटेल, जागृति वसावा, प्रियल पटेल, राजेश पटेल, कांग्रेस के सुषमा परमार, ललित चंद्र वसावा, अनसुईया वसावा और निर्दलीय धर्मेश पटेल शामिल हैं। तालुका पंचायत प्रमुख श्री अर्चना बेन सामे अविश्वास दरखास्त नियत नमूना मेल
ગઈ કાલે તેઓએ રજૂ કરેલ દરખાસ્ત નિયત નમૂનામાં ન હોય તેઓની અરજી દફતરે કરવા અત્રે જણાવેલ હતું અને આ અંગે હવેથી નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. ગુજરાત કે વડોદરામાં માંડવી કે જુમ્મા મસ્જિદ કે પીર બાબા સૈયદ મોઇનુદ્દીન જન્નત નશીન હુએ હૈ. દેશ વિદેશ મેં લોકપ્રિય વડોદરા કે સૂફી સંત ઓર માંડવી ગેટ નિકટ કી જુમ્મા મસ્જિદ કે પીર બાબા સૈયદ મોઇનુદ્દીન બાબા કાદરી ને ફાની દુનિયા કો અલવિદા કર દિયા હૈ. ઉનકે પાર્થિવ શરીર કો દર્શનો કે લિયે ગોસિયા મસ્જિદ નિકટ કે ઉનકે નિવાસ સ્થાન પર રખા ગયા થા, જહાં દેશ વિદેશ સે હજારો સમર્થક ઉનકે દર્શનો કે લિયે પહોંચે. બીતી રાત ઉનકી અંતિમ યાત્રા કા આયોજન કિયા ગયા. ઉનકા જનાઝા સામૂહિક નમાઝ કે બાદ ઉઠાયા ગયા. ઇસ મોકે પર ઉનકે બેટે સૈયદ અમીરુદ્દીન બાબા કાદરી ને નમાઝ અદા કરવાઈ ઓર નમાઝ કે બાદ અંતિમ યાત્રા કા આયોજન કિયા ગયા. આજવા રોડ પર અઝીમે મિલ્લત કી દરગાહ પર ઉનકી દફન વિધિ કી ગઈ, જિસમે દેશ વિદેશ કે સૂફી સંત ઓર અનુયાયી ઉપસ્થિત રહે. આજે મોઇનુદ્દીન બાબાની ઇંતકાલ ગઈકાલે થયો છે. એમના ડેથના લીધે આજે એમનો જનાઝાની જે વિધિ હતી એ પૂર્ણ થઈ છે અને જે નમાઝ છે એ પૂર્ણ થયા પછી તમામ જે એમના અનુયાયીઓ છે વિખેરાઈ ગયા છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અનુયાયીઓ હાજર રહ્યા હતા. ગુજરાત કે વડોદરા જિલ્લે કે ડભોઈ મેં લોગ આજકલ ચોરો કી દહેશત સે સો નહીં પા રહે હૈ. વડોદરા જિલ્લે કે ડભોઈ મેં પિછલે 3-4 દિનો સે ચોર આને કી અફવાહ સે લોગ પરેશાન હો રહે હૈ. ડભોઈ નગર ઓર તાલુકા કે ગાંવ મેં ચડ્ડી બનિયાનધારી ચોરો કા આતંક લોગો કો સતા રહા હૈ. લોગ રાતો કો લકડીયા લેકર સડકો પર ઉતર કર અપની સુરક્ષા ખુદ હી કર રહે હૈ. ડભોઈ પુલિસ ને ઇસ મામલે લોગો કો અફવાહ સે દૂર રહેકર પુલિસ પેટ્રોલિંગ બઢાએ જાને કી જાણકારી દી હૈ. લેકિન ફિર ભી રાત કે 7 બજતે હી ચોર આને કી અફવાહ યહાં કે લોગો મેં દહેશત પેદા કર રહી હૈ. છેલ્લા 3-4 દિવસથી ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનના આજુબાજુના ગામડાઓ અને સંખેડા પોલીસ સ્ટેશનની બોર્ડરના ગામડાઓમાં એક લોક અફવા ફેલાવે છે કે ભાઈ ચોર આવે છે, રાત્રે માણસો ભેગા થાય છે, ચંડી બિરિયનધારી માણસો આવે છે. પરંતુ પોલીસનું હાલ પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે. પોલીસ દ્વારા દરેક ગામડાઓ જે બોર્ડરના ગામડાઓ છે તેમાં અવારનવાર પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવે છે. ડભોઈ પોલીસ સ્ટેશનની આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં પણ હોમગાર્ડ જીઆરડીના પોઈન્ટ મૂકવામાં આવેલા છે. આવી કોઈ વાત ધ્યાને આવેલ નથી એટલે સર્વ જનતાને અપીલ છે કે કોઈ આવી ખોટી અફવાઓ ફેલાવે નહીં. જે નોકરી ધંધે જાય છે એ માણસોને કોઈ રોકવા નહીં અને રોકી અને પૂછપરછ કરે છે તો એ બહુ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. આવી ખોટી અફવાઓ ફેલાવી નહીં, કારણ કે આના કારણે કોઈને તમે મારશો અને એવી કોઈ ઘટના બનશે તો એના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આવી કોઈ પણ વસ્તુ ધ્યાને આવે તો પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી શકો છો તમે. અને ઓલરેડી અમારી 2-3 ગાડી એ જ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં ચાલુ છે. કોઈ આવી ખોટી અફવાઓમાં ફેલાવવું નહીં, ગેરમાર્ગે દોરાવવું નહીં. હશે તો વધારાના પોઈન્ટ મૂકીને પણ પોલીસ કાર્યવાહી કરશે. ઓલરેડી ગોપાલપુરા બાજુની ચેકપોસ્ટ ઉપર પોઈન્ટ મૂકવામાં આવેલો છે અને ત્યાંથી આવતા જતા વાહનોને ચેક પણ કરવામાં આવે છે. એટલે આવી ખોટી અફવાઓ ફેલાવી પબ્લિકને ગેરમાર્ગે દોરવી નહીં એવી મારી સર્વ જનતાને અપીલ છે. ઉત્તર પ્રદેશ કે બિજનોર મેં અંતરરાષ્ટ્રીય શાતિર વાહન ચોર ગેંગ કે 5 આરોપીઓ કો ગિરફ્તાર કરને મેં પોલીસ કો સફળતા મિલી હૈ. ઉત્તર પ્રદેશ કે બિજનોર મેં વાહન ચોરી કે કઈ મામલે દર્જ હો રહે થે, જિસકી જાંચ મેં પોલીસ ને શાતિર વાહન ચોર ગેંગ કે 5 આરોપીઓ કો પકડ લિયા હૈ. ઉનકે પાસ સે 3 કાર સમેત કા મુદ્દામાલ ભી બરામદ કિયા ગયા હૈ. યે થાના કોતવાલી મેં પિછલે કુછ દિનો સે 4 વ્હીલર ગાડીયાં ચોરી હો રહી થી, જિનમે ખાસ તોર પે હોન્ડા સિટી થી એક વેગનાર ભી ચોરી હુઈ થી. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई गई. इसमें स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस दोनों ने मिलकर काम किया और इसके बाद 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से चोरी गई 2 होंडा सिटी कार वैगनार बरामद हुई है. अभी इनसे पूछताछ की जा रही है. इनकी जो डिटेल हमने ली है उसके हिसाब से इन्होंने आसपास के जो जनपद हैं बागपत में, हापुड़, सहारनपुर, नोएडा, यहाँ भी इन लोगों ने चोरियाँ कर रखी हैं. उनका अभी कुछ इंजन और कुछ पार्ट्स बरामद हुए हैं जिनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है. ये शातिर वाहन चोरों का गैंग है. इसमें जो आरिफ नाम का व्यक्ति है इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं. इससे पूछताछ में पता चला कि इसका एक साथी है मोहसिन, जो जब गाड़ियां ये लोग चुरा के ले जाते हैं उसको देते हैं, उनको काटता है, उसके बाद इनके पार्ट्स को बेच देता है. ये 5 लोगों को अभी गिरफ्तार करने में सफलता लगी है. जो अन्य जनपदों से गाड़ियाँ चोरी हुई हैं
उनको भी कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये शातिर अपराधियों का गैंग है, इनके विरुद्ध कैंसर एक्ट में भी कार्रवाई की। ये जब ये सूचनाएं आ रही थी तो पुलिस ने इसको चैलेंज की तरह लिया और काफ़ी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इसमें कई टीमें लगी थी। काफ़ी मेहनत के बाद इन लोगों का नाम सामने आया और उसके बाद गिरफ्तारियाँ की गई। बिजनौर से इन्होंने जो गाड़ियाँ चोरी की उसमें होंडा सिटी थी और एक वैगनार गाड़ी थी, वो बरामद हुई। इसके अलावा अन्य जगह की चोरी हुई एक सैंटो कार और एक एल्टो भी मिली है। उनके संबंध में जानकारी की जा रही है इन्होंने कहाँ से चोरी की थी। जो हमारे यहाँ की गाड़ियाँ हैं उसमें 6 गाड़ियाँ अभी तक, एक इन्होंने रुड़की से चुराई थी जिसके साथ ये गिरफ्तार किए गए थे। जो हमारे यहाँ की 3 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं वो मिली हैं। इसके अलावा एक सैंट्रो एक ऑल्टो मिली है और जो आसपास के जनपद हैं इनसे पूछताछ से पता चला है कि एक दर्जन से ऊपर गाड़ियां इन्होंने आसपास के जनपदों से चुराई। उत्तराखंड के हरिद्वार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल ने जिला कार्यालय सभागार में गौवंश संरक्षण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। गौवंश का संरक्षण देश भर में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी बीच गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय में गौवंश संरक्षण हेतु हरिद्वार में किए जा रहे कार्यों की अधिकारियों से जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को गौवंश की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे, अपर जिलाधिकारी पीएल शाह, उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह समेत के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो जो गौ सदन निर्माण की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। दूसरा, जो निराश्रित गौवंश है, हरिद्वार विश्व का तीर्थ स्थल है, विश्व के लोग यहाँ आते हैं तो सबकी अपेक्षा रहती है कि यहाँ अच्छा दिखाई दे और गौ वंश सड़कों पर रहे और उनकी दुर्दशा हो, गौवंश सड़क से रहे कोई बात नहीं लेकिन दुर्दशा हो तो वो अच्छा संदेश नहीं। सनातनी संस्कृति की ये धरोहर है हरिद्वार, इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि भाई गौशालाओं का निर्माण शीघ्र हो। दूसरा, पुलिस द्वारा अभी विगत दिनों में बहुत अच्छे कार्य किए हैं और निरंतर गौ कृषि पर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जो गौ तस्कर हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर भी लग रहा है। थोड़ा पुलिस की कमी है, उसको भी दूर करने के लिए हमने शासन को कहा है कि थाना स्तर पर स्क्वाड बनाया जाए। चूँकि हरिद्वार हमारा पवित्र स्थल है और यहाँ गौ कृषि हो रही है तो उस निरंतर पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी और सख्त होने की जरूरत है, इसके लिए निर्देश दिए हैं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।